सो हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, अगर आप लोग भी फोन पे एप्लीकेशन में अपना बैंक अकाउंट को अनलिंक करना चाहते हो लेकिन अनलिंक नहीं कर पाओ तो कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम होता है जिस आप लोग देख पा रहे हो। मतलब यहाँ पे बैंक अकाउंट को अनलिंक कर रहे हैं लेकिन अनलिंक हो ही नहीं रहा फ्रेंड, ठीक है। बहुत लोग के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि बैंक अकाउंट को किसी भी रीजन की वजह से जैसे अनलिंक करना चाहता है लेकिन अनलिंक होता ही नहीं है। तो आज का वीडियो आपको पूरा इसका लाइव सोल्यूशन बताने वाले हैं कि आखिर ये अनलिंक क्यों नहीं हो रहा है और किस प्रकार से अनलिंक होगा। लाइव प्रूफ आपको इस वीडियो में क्योंकि सोल्यूशन बताने वाले हैं, ठीक है। वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है, बने रहना वीडियो शुरू से लेकर अंत तक। और चलो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा इसका सोल्यूशन जान देते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड, आ चुका अपना मोबाइल का स्क्रीन पे। सो फ्रेंड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं फोन पे एप्लीकेशन को ओपन किया फ्रेंड, ओपन करने के बाद अपना लॉक डाल देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे ओपन कर देता हूँ इसको। ओपन करने के बाद फ्रेंड, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो आपका प्रोफाइल है फ्रेंड, यहाँ पे सिंपल सबको प्रोफाइल का ऑप्शन पर एक बार टैप कर लेना है। अब जैसे प्रोफाइल का ऑप्शन मैं टैप कर लेता हूँ फ्रेंड, प्रोफाइल का ऑप्शन पर टैप करने के बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट का ऑप्शन पर टैप कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे बैंक अकाउंट का ऑप्शन पर टैप कर लेता हूँ फ्रेंड, तो आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से इंटरफेस। तो आपको यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाएगा आपका जो भी बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा दो बैंक अकाउंट लिंक है फ्रेंड, एक पंजाब नेशनल और यहाँ पे एक जो कि यहाँ पे केनरा बैंक फ्रेंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो कि केनरा बैंक को लिंक जैसे अनलिंक करेंगे फ्रेंड, ठीक है, डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे डिलीट ही नहीं हो रहा फ्रेंड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद सिंपल से यहाँ पे जो कि अनलिंक यहाँ पे जो कि बैंक अकाउंट पे टैप करेंगे। अब यहाँ पे टैप करने के बाद सिंपल से यहाँ पे अनलिंक के टैप करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अनलिंक पे टैप करते हो तो आप लोग जैसे देख पा रहे हो फ्रेंड कि यहाँ पे जो कि अनलिंक हो ही नहीं रहा फ्रेंड, ठीक है। तो बहुत लोग के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है फ्रेंड कि बैंक अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, अनलिंक करना चाहते हैं, बट यहाँ पे अनलिंक होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका पूरा लाइव सोल्यूशन जानेंगे इस वीडियो में फ्रेंड, ठीक है। वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है। जैसे मेरा और एक बैंक अकाउंट है जैसे पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट, तो इसको हम अनलिंक करेंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड, अनलिंक बैंक अकाउंट पे टैप करेंगे, यहाँ पे जो कि प्रोसेस पे टैप करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा यस पे टैप कर देंगे। तो आप लोग जैसे देख पा रहे हो फ्रेंड कि जो कि यहाँ पे बैंक अकाउंट जो कि यहाँ पे मेरा अनलिंक, उसका यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हो फ्रेंड कि सक्सेसफुल यहाँ पे जो कि मेरा बैंक अनलिंक हो गया फ्रेंड, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम इसको भी अनलिंक करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे जो कि जैसे आप लोग देख पा रहे हो लाइव, यहाँ पे सिंपल से इसको अनलिंक पे टैप करेंगे, तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो अनलिंक यहाँ पे हो ही नहीं रहा फ्रेंड, ठीक है। तो सिंपल सा आप लोग को क्या करना है फ्रेंड, इसको अनलिंक करने के लिए यहाँ पे जैसे आप लोग ध्यान से देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप लोग देखते हो तो ऑटो पेमेंट है ना। अगर फ्रेंड आप लोग कोई भी एप्लीकेशन में अगर सेट करके रखो जो कि ऑटोमेटिक आपका पेमेंट हो जाए फ्रेंड, जैसे आप लोग कभी बिजली का बिल कभी कभी कोई फोन पे से कर लेता है कि ऑटोमेटिक आपका पेमेंट हो जाए, ऑटो पेमेंट सेट कर देता है ना, या फिर कोई भी एप्लीकेशन में जैसे ऑटो पेमेंट जैसे सेट कर देता है फ्रेंड, तो फिर आप लोग का यहाँ पे जो कि अनलिंक होगा ही नहीं फ्रेंड, ठीक है। जैसे मेरा अभी जो कि जार एप्लीकेशन में जैसे ऑटो पेमेंट सेट है 20 रुपये करके, ठीक है। तो मैं उसको क्या करूँगा, पहले उसको जो ऑटो पेमेंट को हटाऊंगा फ्रेंड, उसके बाद आप लोग के सामने लाइव इसको अनलिंक करके दिखाने वाला हूँ। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, सबसे पहले जार एप्लीकेशन में आ जाएंगे। अब जार एप्लीकेशन पर आने के बाद क्या करेंगे, जो इसका ऑटो पेमेंट है फ्रेंड उसको हम ऑफ कर देंगे, ठीक है। जार एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेंगे फ्रेंड, यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हो जार एप्लीकेशन मेरा यहाँ पे ओपन हो रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो थोड़ा वेट कर लेंगे, आप लोग को शायद बिल दिख रहा होगा इसका कुछ सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे फ्रेंड, जो इसका ऑटो पेमेंट है यहाँ पे, चलो इसको हम बैक कर लेंगे, और इसका जो ऑटो पेमेंट है इसको हम यहाँ पे बैक कर जैसे मतलब बंद कर देंगे फ्रेंड, ठीक है। जो सेटिंग था फ्रेंड उसको जो कि हम यहाँ पे स्टॉप कर लिया फ्रेंड, ठीक है। यहाँ से जैसे आप लोग देख पा रहे हो कि स्टॉप हो गया, मेरे को मैसेज भी आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप हो गया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, सिंपल सा हम जो कि फोन पे एप्लीकेशन में आ जाएंगे। अब फोन पे एप्लीकेशन आने का वही अकाउंट है जैसे आप लोग देख पा रहे हो फ्रेंड, ठीक है। सिंपल से यहाँ पे टैप कर लेंगे इसके ऊपर, उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखने के मिल जाएगा अनलिंक बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे हम टैप कर लेंगे। अब टैप करने के बाद फ्रेंड सिंपल सा यहाँ पे अनलिंक पे टैप कर लेंगे। अब अनलिंक पे टैप करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो बैंक अकाउंट मेरा अनलिंक सक्सेसफुली हो चुका फ्रेंड, ठीक है। आप लोग के सामने मैं अनलिंक करके दिखाऊँ फ्रेंड, यहाँ पे हम बैक कर लेंगे, फिर से बैक कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो फ्रेंड कि यहाँ पे मेरा कोई बैंक है ही नहीं फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे एड बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, मतलब जो भी मेरा बैंक अकाउंट था फ्रेंड उसको मैं अनलिंक कर दिया हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग जो फोन पे एप्लीकेशन को जो अनलिंक बैंक अकाउंट प्रॉब्लम था फ्रेंड, उस प्रकार से आपका सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना फ्रेंड। अगर आपका कोई भी एप्लीकेशन में कोई वेबसाइट में या कोई सेटिंग में आपका गड़बड़ है फ्रेंड, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, 100% आपको सोल्यूशन मिल जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो चलो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, तो ओके बाय, टेक केयर।